आज राजकीय कन्या उच्च विद्यालय समचाणा स्कूल की जो लड़कियां हैं 8वीं कक्षा की, तारे एवं सौर परिवार जो इनका चैप्टर है उसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से डिस्कस करेंगे यानी याद करेंगे। चलो सबसे पहले कोमल। मैं एक तारा हूँ, मैं आग का तपता हुआ बड़ा एक गोला हूँ, मैं ग्रह और उपग्रह को उष्मा प्रदान करता हूँ। वेरी गुड। मैं बुध ग्रह हूँ, मैं सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हूँ, मैं सौर परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ। वेरी गुड। मैं शुक्र ग्रह हूँ, मैं पृथ्वी का निकटतम हूँ, मैं सौर परिवार का सबसे चमकदार ग्रह हूँ। बिल्कुल सही बताया नेहा। मैं पृथ्वी ग्रह हूँ, मैं सूर्य की परिक्रमा 365/4 दिन में पूरी कर लेता हूँ, मुझ पर जीवन यापन संभव है क्योंकि मेरे पास वायु जल तथा ऊष्मा के अस्मित भंडार है। वेरी गुड नेहा। पृथ्वी बहुत ही एक अद्वितीय ग्रह है, ऐसा और अद्वितीय मतलब जिसका कोई और ना हो, ऐसा और कोई भी ग्रह नहीं है। वेरी गुड। मैं पृथ्वी का एक लौता उपग्रह हूँ, मैं पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 घंटे 7 मिनट में पूरा कर लेता हूँ। बिल्कुल सही। मेरा आकार घटता घटता रहता है जिसको चंद्र कलाएं कहते हैं। वेरी गुड मनीषा। मैं मंगल ग्रह हूँ, मैं सौर परिवार का चौथा ग्रह हूँ, मैं लाल दिखाई देता हूँ क्योंकि मेरी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड भारी मात्रा में पाया जाता है और मुझ पर पथरीली परत है जिसपे लाल जंग लगी होती है, इसलिए मैं लाल दिखाई। वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड, बहुत अच्छी जानकारी दी है। बृहस्पति ग्रह हूँ, मैं सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह हूँ, मेरे ऊपर जीवन संभव नहीं है। बिल्कुल सही, सबसे बड़ा ग्रह है ये, सबसे बड़ा सदस्य है। चलो शनि हूँ, मैं सौर परिवार में से सबसे सुंदर ग्रह हूँ क्योंकि मेरे चारों तरफ सुंदर छल्ले हैं। बिल्कुल सही। मैं यूरेनस ग्रह हूँ, मैं सूर्य का 7वां ग्रह हूँ। बिल्कुल सही। मैं नेपच्यून हूँ, मैं सूर्य का 8वां ग्रह हूँ। 8वां सदस्य है, इसका मतलब पृथ्वी के कितने ग्रह हैं? पृथ्वी के नहीं, सूर्य के। बिल्कुल सही, सूर्य के कितने ग्रह हैं? और जिनमें केवल एक पृथ्वी है जिसके ऊपर जीवन संभव है। बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से इस क्रियाकलाप को किया है और बाकी बच्चों ने इनको बहुत अच्छे से सुना है और मेरे को लगता है कि सभी बच्चों को सौर परिवार और तारों के बारे में समझ में आ गया होगा। तो ओके बेटा, थैंक यू।